हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। रियासत कर्नाटक का मशहूर शहर चिकमंगलूर, जो काफ़ी के लिए बहुत ही मशहूर ज़िला है, जो रियासत भर में मशहूर है, यहां हज़रत ख्वाजा दादा हयात मीर खलंदर रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मौजूद है। दादा हयात मीर खलंदर की दरगाह पहाड़ की चोटी पर मौजूद है। इस दरगाह को पूरे हिंदुस्तान से ज़ायरीन अपने अकीदत के साथ यहाँ आते हैं और यहाँ ज़ियारत के लिए पहुँचते हैं। ये शहर काफ़ी स्टेट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हज़रत दादा हयात मीर खलंदर ने सऊदी अरब से काफ़ी के चंद पौधे इस सरज़मीन में लगाए थे, जिस वजह से चिकमंगलूर ज़िले के अतराफ व अकनाफ काफ़ी के झाड़ों ने घेर रखा है, जिसकी वजह से इस पूरे ज़िले में लोग तरक्की की दौलत से माला माल हैं। नाजरीन, चिकमंगलूर शहर के एक मुस्लिम कायद जनाब सीआर सगीर अहमद साहब ने इस असम्बली हलके से 3 मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लिया था और 3 मरतबा भी उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी और 3 मरतबा उन्होंने कैबिनेट रैंक के वजारत हासिल करने में भी कामयाबी हासिल की। मख्तलिफ वजारतों में जैसे कि उन्हें दिए जाने वाले वजारत, जैसे कि हाउसिंग बोर्ड, अक़लियती बहबूद, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़, वक्फ बोर्ड, हज, ट्रांसपोर्ट वगैरह में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। पिछले कई बरसों से सीआर सगीर अहमद ने रियासत की सियासत खामोशी अख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से हमारे नाजरीन फ़ोन के ज़रिए बार बार हमें कॉल करके पूछ रहे हैं कि इनकी, यानि जनाब सीआर सगीर अहमद साहब की सियासी खामोशी क्यों बना रखी है। इसकी वजह जानने की और हमें बताने की उन्होंने बार बार गुजारिश की है, इसलिए हम खुद चिकमंगलूर पहुंचकर इनकी सियासी खामोशी और कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर जो रखा है, इस ताल्लुक़ से जानने की कोशिश की है। चलिए जानते हैं, जनाब सीआर सगीर अहमद से पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ बार बार नाइंसाफ़ी क्यों करती है। सब रियासत भर में एमएलसी का इलेक्शन चल रहा है, सुना है कि यहाँ गायत्री शांति गौड़ा कैंडिडेट को 25 कैंडिडेटों में कांग्रेस ने एक लेडी को यहाँ जगह दी है और वो गुज़िश्ता भी काउंसिल की मेंबर रह चुके हैं, बड़े अच्छे खिदमात भी लोगों से किए हैं। तो गुज़िश्ता टर्म में भी जो उसे टिकट दे गई थी मगर बदकिस्मती से वो हार गई, मगर उसके बावजूद भी सारे ज़िले में फिरकर, सारे खरियों में फिरकर, सारे पंचायती हल्कों में फिरकर जो है लोगों के साथ अपना मामला जमाए रखा, उन लोगों के साथ उनकी तकालीफों में उसका मायना किया, उसके लिए कुछ क्या हल निकाल सकते हैं उस हल को उन्होंने निकाला। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक मरतबे उनको टिकट दिया है। मैं समझता हूँ कांग्रेसी की तरफ जो है पूरे मेंबर हजरात का रुझान है, इंशाअल्लाह गायत्री शांति गौड़ा जो है इस हल्के से जीत सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि गायत्री शांति गौड़ा को अल्लाह ताला कहां कहां टूर करे सर। अब पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट कितने वोट से सर है? तो 2431 वोट है शायद। तो कितने वोट मिलेंगे आपके हिसाब? हमारे खुद कांग्रेस की पार्टी के जिन जिनको हमने आइडेंटिफी किया है वो 930 या 940 वोट हैं, बाकी के जनता दल के वोट हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, इनके साथ सब हमारा तारुफ़ किया जा रहा है, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, उनसे हम वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अल्लाह के फजल करम से बहुत से लोग जनता बीजेपी से बेजार भी हैं, जैसा कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, खाने के तेल का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया, जिसमें वो गरीब पलना मुश्किल में आ गए हैं। तो ऐसे लोग जो है कांग्रेस की ताईद में वोट चलाने की कोशिश में है। तो 25 सीटा में कांग्रेस कितने सीटा में? मेरा तो ये मामला है, 5 तो अनकंटेस्ट होना ही ना, जहाँ डबल सीट है वहाँ तो कांग्रेस के आएंगे 5। हो सकता है मेरे ख्याल से 12 से 14 सीट तो कांग्रेस जीत सकती है। मैं सीआर सगीर अहमद साहब से पूछना चाहता हूँ, सब ये बताइए, पिछले कई सालों से आपने सियासत में खामोशी अख्तियार कर ली है, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि एक तरफ तो कांग्रेस कमज़ोर होने लगी, दूसरी तरफ जो है बीजेपी का बहुत जोर रहा,
अब कोई मुसलमान सियासत सारे मुल्क में अपने इख्तियार के ऊपर लोगों की खिदमत करना चाहता है तो बीजेपी हुकूमत जो है उसे कबूल नहीं करती। अगर कहीं खिदमत की गर्ज से अगर जाते हैं तो हमारे गरीब मुसलमान भाई बहन दोस्त सब ये समझते हैं कि कोई सियासतदान हमारा काम कुछ ना कुछ करें, मगर बीजेपी हुकूमत जो है मुसलमानों के लीडरों का कुछ काम नहीं करती और खुलेआम जो है लीडरों का मजाक उड़ाती है, लीडरों को इज्जत नहीं देती है और लीडरों का कोई मुकाम आज की तारीख में कांग्रेस में रहने के बावजूद भी रियासत की सतह पर जो है उनको इतना ताकतवर नहीं बनाया गया जितना उस ताकत से वो काम कर सकते। इसलिए जो है काम ना होने की वजह सियासत में तो हैं मगर हुकूमत बीजेपी के होने की वजह मुसलमानों का आज देख रहे हैं आप सारे मुल्क का ये हाल है कि वो मुसलमानों की तरफ जो है देखना भी मुनासिब बात नहीं है। जहाँ कहीं भी देखो नमाज़ पढ़ने के लिए तरकार कर रहे हैं, कोई खैरात कर रहा है, कोई मुसलमान अपने भाई बहनों को तो उसका नाम लिखकर जो उसे जेल भेज दिया जा रहा है, मुसलमानों की ताइद में अगर बात करता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। हमारे भी बहुत से अच्छे अकाबरीन जो हैं आज जेल की हवा खा रहे हैं मगर मुसलमानों को इसके ऊपर अफसोस नहीं है। मुझे तो बड़ा ये अफसोस है कि ऐसे मुसलमान लीडर हजरात जहाँ यूपी से हों, जहाँ कश्मीर से हों, जहाँ मध्य प्रदेश से हों या कोई और रियासत से हों, ये बीजेपी की नाइंसाफ़ी की वजह जो है बहुत से अच्छे अच्छे लीडरों को जो है जेल में डाल दिया गया है। अल्लाह ताला जो है हमारा है और अल्लाह ही से तो हमारी दुआ है कि हमारे लोगों की और ख़ासतौर पर हमारे लीडरों की जो है अल्लाह ताला हिफाजत। साहब आप एक सेक्युलर पार्टी के लीडर हैं, एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, अगर फिरका परस्त पार्टियों से आप डर कर खामोश रहेंगे क्या ये मुल्क का नुकसान या मिल्लत का नुकसान आवाम का नुकसान नहीं? अब जो है यूपी के शेर कहूँगा मैं, जैसे अजीज शेख साहब को रियासत मैसूर का शेर कहते थे, अब जो है वहाँ के हमारे क्या नाम उनका आज़म खान साहब, उनकी तकरीर सुनने के लिए मेरा आज भी जो है दिल चाहता है कि उनकी तकरीर सुन, मगर उनकी तकरीर और सिटिंग एमपी हैं और इतने सेकुलर हैं कि उसे बोलने की कोई बात ही नहीं है, इतने सेकुलर हैं। कौम के लिए भी उतना ही काम किया, गैर कौम के लोगों के लिए भी उतना ही काम किया, मगर आज ये जुल्म करने वाली बीजेपी हुकूमत जो कौम के लीडर होने के नाते आज मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के पाए के लीडर हैं, वो ऐसी शख्सियत है, ऐसी उनकी पार्लियामेंट में बहस भी मैं सुनाऊँ, ऐसी उनकी तकरीर भी मैंने सुनाऊँ जिस हर मुसलमान के दिल में उनके लिए मोहब्बत के साथ साथ ये जोश आता है कि कम अज़ कम हमारा एक मुसलमान लीडर है। मगर आज बीजेपी हुकूमत में इतने सेकुलर होने के बावजूद भी आज उनको जेलों की हवा खा रहे हैं और उस हमारे लीडर को जो है इतनी तकलीफ दे रहे हैं कि कहने के लिए कुछ भी वक्त इसी सूरत में सेकुलरिज्म के ऊपर कितनी भी बात करें ठीक है मगर हुकूमत ऐसी है जो खास तौर से मुसलमानों को नशाना बनाती है। तो ऐसे में आप जैसे खामोश रहना भी है, उनकी ताइज नहीं, खामोशी बीजेपी वालों की मौत भी हो सकती है। वो इसलिए कि अगर अकलियतों का कोई लीडर अपनी बात को अपने लोगों तक पहुंचाने की ताकत रखने के बावजूद भी अगर नहीं कर रहा है ताकतवरी बात तो बीजेपी हमारे आगे कमजोर है, कोई लीडर उनके आगे कमजोर। अच्छा सर, आपकी सियासी जो खामोशी है ये कब तोड़ेंगे और आप कब सरगर्म होकर सियासत में रियासत की आएंगे? आज के हालात में कोरोना आने के बाद, कोरोना में हजारों लोग की अमवातें होने के बाद जो रवैया बीजेपी ने उन लोगों के साथ किया वो लोग इस हुकूमत से और हुकूमत में रहने वाले लोगों से बड़े बेजार हैं। और दूसरा, जिस मुल्क में सियासी रुझान इतना बढ़ चढ़ कर है जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस संविधान को दिया उस संविधान में जिन लोगों को जो सहूलतें फराहम होनी चाहिए थी आज बीजेपी की हुकूमत अपनी खुदगर्जी के लिए जो है हर काम कर रही है। लोग जिस मुल्क के लोगों के लिए, अकलियतों के लिए, हमारे हरिजन गिरिजन भाइयों के लिए और गुरबा लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है, इसलिए लोग इस पार्टी से बेजार हैं। हो भी सकता है अल्लाह चाहे तो 2023 के इलेक्शन में बीजेपी का सफाया भी हो सकता है, तो लोगों ही के हाथ में, इसके सिवा किसी और के हाथ में नहीं। सब सीएम इब्राहिम साबिक मरकजी वजीर का एक गिला है कांग्रेस, 70 साल गुजर गए, कांग्रेस का कोई भी एक मुसलमान लीडर कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक में सदर नहीं हुआ, जबकि 5% रखने वाली आबादी
6% रखने वाली आबादी या 8% रखने वाली आबादी इस कांग्रेस पार्टी का सदर हो सकता है, तो 20% रखने वाले आबादी रखने वाला कोई लीडर कांग्रेस का सदर क्यों नहीं होता? देखिए, यहाँ सदर और नायब सदर या एमपी या एमएलए होने की बात नहीं है। यहाँ सबसे पहली बात यह है कि हमारे सियासतदान भाई हजरात से ज़्यादा जो लोग कई अधेरे वाले हमारे बुजुर्ग हैं, असातिज़ा इकराम हैं और बहुत से लोग खैर खैरात करने वाले हैं, बहुत अच्छी सी सूरत से जो है मुसलमानों की खिदमत कर रहे हैं। अगर कोई एक सियासी कोई पार्टी का सदर हो गया तो कौम को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए नहीं नहीं वो तो अल्लाह ये वो तो इज्जो मन तशाओ वो तो जिल्लो मन तशाओ बेदी कल खैर वाला कुली शहीन कदर। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया इज्जत और जिल्लत का देने वाला मैं हूँ। अगर तुम्हें इज्जत मिल रही है तो उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ, अगर तुम्हारी जिल्लत हो रही है तो उसका भी जिम्मेदार। अल्लाह कहता है कि मेरे से मांगो किसी और से मांगो, देने वाला तो मैं हूँ। जब मुझे तुम्हारी दुआ कबूल होगी उस दिन तुम्हें हर चीज मुहैया करूँगा, ये अल्लाह का वादा है। सीएम इमरान साहब का ये दौर गिना है। हाँ। जी परमेश्वर इलेक्शन हारते हैं। हाँ। उनको एमएलसी बनाया जाता है। हाँ। उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है। हाँ। खारगे साहब गुलबर्गा का इलेक्शन हारते हैं और उनको राज्यसभा बनाया जाता है, अपोजिशन लीडर बनाया जाता है। एक मुसलमान अगर इलेक्शन हारता है तो उसे उसको उसी जगह ख़त्म कर दिया जाता है, ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए है कि सबसे पहली चीज़ तो सियासतदान को सब्र का मादा होना चाहिए। एक पार्टी से दूसरी पार्टी गया, दूसरे से तीसरी को गया, तीसरी से चौथी गया, तो आप में ईमानदारी नहीं रही ना। हालांकि कोई सियासी पार्टी हमारे से बेईमानी कर रही है, लड़ने के लिए हमारे पास ताकत है। एक ही जगह अगर आप जुड़ कर लड़ेंगे तो आपकी कामयाबी होगी। अब मिसाल के तौर पर आप भी ने कहा कि कोई सदर हो जाता है, इब्राहिम साहब तो जनता दल के सदर रहे, क्या फैस पहुंचा कम्युनिटी को, क्या हुआ? सिर्फ तकरीरों से कम्युनिटी अच्छी हो सकती है क्या? एक अदारा खोल दिया बस, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं आप, दूसरे अदारे क्या खोले? गरीबों के लिए आपने क्या किया? क्या किसी गरीब को फ्री सीट दिया आपने? कहते हैं कि चलाने के लिए बहुत सा पैसा चाहिए, हमें भी मालूम है, मगर और गरीब के लिए आपके हाथ यानी कि तुम सियासतदान में रहे या ना रहे आपकी खिदमत क्या हुई? इसे जाहिर भी नहीं इसलिए कर सकते कि अल्लाह का अल्लाह ने कहा है कि मेरे नाम से जो तुम काम करोगे उसकी उसका फायदा हासिल मत करो, वो इसलिए कि तुमने मेरे नाम पे सवाल नहीं सर। कांग्रेस के अंदर दूसरी कौमों को हर तरह की हिस्सेदारी है, वो वफादार है, वो वफादार हैं इसलिए मिल रही है। नहीं सर, खारगे जिस दिन उनकी पैदाइश हुई उस दिन से लेकर आज तक कांग्रेस में है और कांग्रेस से कोई नाइंसाफी नहीं की या कांग्रेस से जो है गैर गलत काम नहीं किया। बराबर जब हुकूमत थी उस वक्त भी काम किए, जब हुकूमत नहीं थी उस वक्त भी काम किए, मगर उनकी बदकिस्मती की बात यह है कि सिर्फ परसों का दिन यानी कि गुज़िश्ता पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो हारा है उन्होंने, तो उनकी अहमियत को समझते हुए कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में लगाया। इसी तरह हमारे परमेश डॉक्टर परमेश को भी ये बात ऐसी है कि उन्होंने भी ये कि जैसा मैं हूँ 40 साल से कांग्रेस में हूँ, मुझे भी कई लोगों ने ऑफर किया मैं वो कर देते हैं ये कर, कांग्रेस ने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया 2 से 3 बार, इससे ज़्यादा और क्या मुझे चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं? अगर मेरे में वो काबिलियत आई तो हो भी सकता है कि कोई ना कोई मुसलमान चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है, क्योंकि इस रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा आबादी पहले नंबर पर तो मुसलमान की आबादी है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बाद दूसरे नंबर पर जो है सारे रियासत में मुसलमानों की बहुत तादाद है। तो कभी भी मसला ये है कि हम जो है वफादार होना चाहिए, कोई भी लीडर क्यों ना जाए, हमें लीडर से कोई साबिका नहीं है, हमें तो पार्टी से साबिका है। पार्टी में लड़ने के लिए तुम्हें पूरा इख्तियार आता है, खुशी के साथ कोशिश के साथ लड़ सकते हैं, इसे छोड़कर जो है अगर दूसरी पार्टी को जाए तो क्या फ़ायदा होगा? फायदा भी है, सिद्धरामैया जनता दल छोड़कर कांग्रेस में आते हैं, यहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं, अपोजिशन लीडर दो दो बार होते हैं, अगर वो मुसलमान दूसरी पार्टी में गए इल्जाम कई नहीं, जो पार्टी से तुम्हें इत्तेफाक रखते हैं उस पार्टी के खिलाफ अगर जाए तो तुम्हारे ऊपर कौन पे भरोसा करेगा? सवाल ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि सियासत में सियासत पार्टी के ऊपर अपना पूरे का पूरा एतमाद होना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज नहीं हुआ हम पार्टी छोड़ देंगे, कल नहीं हुआ पार्टी छोड़ देंगे, इससे क्या पता चलेगा? क्या हल हो सकता है, क्या हल निकल सकता है? कुछ हल नहीं निकल सकता। आज मैं हूँ शहर चिकमंगलूर में, 40 साल हो गए मेरे, कम से कम 3 मरतबे कांग्रेस की टिकट पर मैं जीत गया, फर्स्ट मीटिंग में फर्स्ट
टर्म में जो पहली मरतबे जो मैं इलेक्शन में आया वीरेंद्र पाटिल जी के जमाने में, तो उसी वक्त मुझे जो है कैबिनेट में ले लिया गया। क्यों लिया गया? उसके बाद फिर अपोजिशन में रहे, फिर इसलिए कृष्णा साहब की हुकूमत आई, फिर कैबिनेट में आ गया मैं। उसके ये कहते लोग ये समझते थे ये कम से कम कुछ भी नहीं है तो पार्टी की वफादारी तो इसके पास है, इसको हम नहीं लेंगे तो सोच सकता है कि हमारे ऊपर बड़ी गलती आई। ये जो है मामला हम सुधार लेंगे भाई। हर आदमी को अल्लाह के फजल करम से मौका मिल सकता है। अच्छा। कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, इससे कोई फैसला हासिल नहीं होगा। सर कांग्रेस का पूरा वोट एक तरफा कांग्रेस को जाता है, तो उसी तरह हमारा भी पावर में शेयर मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलना चाहिए। क्या मुसलमानों को अच्छे ओहदे अच्छे पोजीशन आने चाहिए? कौन देगा? देने के लिए तैयार हैं, मगर तुम्हारे ग्रुपिज्म जो है मुसलमानों की ग्रुपिज्म जो है अकलियतों में जो क्या कहते हैं उसे किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई सीएम इब्राहिम साहब को एक मकाम देते हैं तो उठ के उसी मकाम पर रहने वाले MLA होंगे या लीडर होंगे फौरी तौर पर जो है तलाश कर देते हैं, पार्टी से कहते हैं इसका, तो वो तो परसों से आए उनको क्यों दे, हम नहीं हैं हम मर गए हैं ऐसे सवाल करते हैं। तो हमारे में सब्र का मादा भी नहीं है, होने वाले की ताईद में खुशी का इजहार भी करने के लिए हम रेडी नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो पार्टी कुछ ना कुछ ओहदे देना चाहती है उसे जो है खुशी से उनका इस्तकबाल करना चाहे, चाहे वो सीएम इब्राहिम साहब हो चाहे और कोई हो चाहे और कोई हो, मगर मुसलमानों को उस मकाम पर लाने की हर सियासी पार्टी कोशिश करती है, उसके पीछे बराबर हम लोगों की तनकीद करते हैं, इससे जो है कई लीडर हजरात के नाम कर जाते हैं। साहब आप मराठी वेलफेयर के मिनिस्टर रहे, वक्फ के मिनिस्टर रहे, हज के मिनिस्टर रहे, इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर, हाउसिंग बोर्ड के मिनिस्टर, इतने वजारत आपको हासिल हुए, इसमें आपने अच्छे काम जो यादगार काम ऐसे क्या है सर? ये जो है कैबिनेट मीटिंग जो चलती है ना वज़ीर आला की क़ियादत में, उस वक्त तो मुसलमानों के बारे में बहुत सी बातचीत होती है। हमें वहाँ जो है उठकर ये सवाल करना कि हमारा रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन के ऊपर आप क्या प्रोग्राम लाना चाहते हैं उसके ऊपर भी जो है आपको तवज्जा दें, तो ऐसे सवाल और जवाब अगर कैबिनेट में हो तो कई मसले हल हो सकते हैं। जैसा कि साइट्स आश्रय में साइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना था, तो आश्रय में क्या रिजर्वेशन करवाया मैंने कहा 20% 100 के 20% साइट जो है माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन हो जाए। घर मकान बनाने का स्कीम है आश्रय मकान बनाने की स्कीम, मैंने कहा 20% किसी सूरत से रिजर्वेशन होना चाहिए, और जिस हलके से जो ये मिल जाता है उसको मालूम दे देना चाहिए कि तुम्हारे हलके में 100 अगर घर बट रहे हैं तो 20 अगर मुसलमान के नाम हो गए उसी वक्त तुम्हारी लिस्ट अप्रूव होगी, अगर मुसलमान के नाम नहीं है तो तुम्हारी लिस्ट अप्रूव नहीं होगी। ऐसा हमने किया, कामयाबी हुई, सिलसिला जारी है। आप कहाँ हैं? दूसरी हुकूमत आ गई, अब तो मुसलमानों को घर देने की बात और हिंदुओं को घर देने की बात, और ये पैसे का काम नहीं किया, अब उसका वो उनके पास तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है ना। अच्छा माइनॉरिटी वेलफेयर में आपने क्या किया? माइनॉरिटी वेलफेयर में जो बजट कितना था उस वक्त जो है जो बजट फराहम किया गया था उस बजट के तहत काम किया करते थे, मगर बड़ी नाइंसाफी की ये बात है जैसा कि मैंने पहले कहा मुसलमान को एक होकर जिसको भी इख्तदार मिलता है सब मिलकर तुम्हारा दबाव कुछ है चेयरमैन के ऊपर डालो, चेयरमैन की जिम्मेदारी ये होती है कि उसके कंसर्न मिनिस्टर को बोलकर या चीफ मिनिस्टर को बोलकर उसे मनवाएं और माइनॉरिटी के लिए वो प्रोग्राम कायम करें। आपको मालूम होना चाहिए, भूल गए शायद, एजुकेशन में जितने भी ड्रॉप आउट से बच्चे उनकी तालीम के लिए जबकि विश्वनाथ तालीमी मिनिस्टर था तो हम जो है महीने में एक मीटिंग करके क्या क्या होना क्या क्या नहीं होना ऐसे तमाम बातें रखकर जो है उसमें कामयाबी हासिल कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे कि लेजिस्लेटिव कमेटी की ये कमेटी हो गई जिसमें कोई सदर रहा कोई सेक्रेटरी रहा और बाकायदगी के साथ वो पूरे लोग CM से मिलते CM से बातचीत करते हमारे ये जो मामला था इसको सही कैसा करना है आप कीजिए, अगर आपके हाथ में नहीं तो हम प्रोग्राम देंगे इस तरह आप सभी चीज़ें किए। बहुत से टाइम पे काम नहीं किए, कृष्णा के टाइम पे किए, मोहिल के टाइम पे किए, बंगारप्पा के टाइम पे किए, कामें भी नहीं मिली, मगर आज के हालात ऐसे हैं कि हुकूमत दूसरी है BJP है, अब हम किसी को मना नहीं सकते। और पूरी कांग्रेस को खुसूसी तौर से ये मालूम है, पूरी रियासती जमातों को ये मालूम है कि इस मरतबे होने वाले चाहे वो असम्बली इंतखाबात हों चाहे वो पार्लियामानी इंतखाबात हों मुसलमान तो कांग्रेस को वोट दे रहा है, आँख मूंद के मुसलमान को मुसलमान, मगर देने वक्त हमारा मुतालबा होना चाहिए 100% हम लोग जो हैं BJP को डर कर नहीं दे रहे हैं, मरना तो एक दिन हम लोगों को है ही है,
मगर ये पार्टी मुसलमानों के बारे में कोई जो है अहम फैसले ले रही है, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का मसला होगा, राम मंदिर का मसला होगा, यूपी में कई मसाजिद को मद्दम कर दिया गया इसकी आवाज लगाने के लिए। लोग नहीं, हम डरकर तुम्हें वोट नहीं दे रहे हैं, हम तुम्हारी हुकूमत लाकर हमारे मामलों को सही कर लेने के लिए वोट दे रहे हैं। ये डिमांड कांग्रेस के आगे रखना चाहिए। अब है साहब, आने वाले दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं, एक साल के अंदर इलेक्शन 23 में आते मुसलमान कांग्रेस की तरफ अभी रुझू है, आइंदा क्या होता है मालूम नहीं। अगर आप हुकूमत के यानी पार्टी के सामने कुछ मुद्दे मुसलमानों के, उनके विकार भी बुलंद होना, सिर्फ मुद्दे ही हल नहीं, उनका विकार भी बुलंद होना। जैसे कि आप एक दलित को डिप्टी सीएम बनाते हैं, मुसलमान को क्यों नहीं कांग्रेस क्यों नहीं बना सकते? मगर कभी भी जो है आपने डिमांड नहीं रखा किसी को बनाने की, सोचती भी है कोई पार्टी तो फिर हमारे लोग जाके उसके खिलाफ उसे करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इस इलेक्शन में बाफायदे की साथ अंदरूनी, मैं कह रहा हूँ ज़ाहिरी नहीं, अंदरूनी, क्योंकि ज़ाहिरी में अगर बात हो गई तो फिर हिंदू लोग जो है इकट्ठा हो जाएंगे और कांग्रेस की हार भी हो सकती है। तो हमारे मुतालिबात जो है, जितने लीडर हजरात हैं, जितने असम्बली इंतखाबात में कम्पीट करने के जो हजरात हैं, उन सब मिलकर बैठ कर एक मीटिंग करके हमारे आइंदा दिनों अगर कांग्रेस इख्तदार पर आ गई तो मनवाने की चीज़ें क्या क्या हैं वो पहले ही जो है कांग्रेस पार्टी को दे देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के दिमाग में ये होना चाहिए, हाँ ये जायज़ मुतालबात है अखिलियतों के, इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर वो वादा करते हैं इलेक्शन से पहले तो हमें जो है उनके वादे पर भरोसा करना चाहिए। सब कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के बसवराज बोम्मई साहब ने गुज़िश्ता महीने एक स्टेटमेंट दिया, जब तक कांग्रेस के साथ मुसलमान नहीं, कांग्रेस की नैया चलती रहेगी। जिस दिन कांग्रेस का सपोर्ट करना मुसलमान छोड़ देंगे उस वक्त कांग्रेस का सफाया हो जाएगा करके एक चीफ मिनिस्टर, एक जिम्मेदार आदमी बोल रहा, इस पर आपका तबसरा है? देखो भाई साहब, जिस जगह से चीफ मिनिस्टर जीत रहा है वहाँ से 3 मंत्री मुसलमान जीत गया है। शिगांव ये जो बल्लारी में आता है, हमारा तो ये फख्र की बात थी, हमारी तो ये ताकत में असर करते थे कि शिगांव में जो है मुसलमान छोड़कर कोई नहीं होता, मगर मुसलमान ही बढ़ गया। मुसलमान बढ़ने की वजह जो है बीजेपी आ रहा है, नहीं मालूम इसलिए मुसलमान बम्बई को वोट देते हैं, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही मालूम है। ऐसी अगर हालत सब जगह बन गई तो सिर्फ नुकसान मुसलमान होता है, दूसरा किसी का नहीं। हर पार्टी को एहसास है कि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान वोट दे रहे पावर नहीं, 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 नहीं। तो आज के हालात में सारे मुल्क का आप पूरा मुआयना कीजिए, सिर्फ कांग्रेस को चाहिए 15% वोट, 15% वोट अगर कांग्रेस को मिले फिर हुकूमत पर इख्तदार आ जाएगी। वो 15% जो है जिसमें आज ये गैर कौम के जैसे कि कहते हैं कि पढ़ने लिखने वाले तलबा और तालिबात जो हैं हमारे साथ नहीं है, बहुत से नौजवान हमारे साथ नहीं है, बहुत से जो है जिन जिन जातों से मुल्क जुड़ा हुआ है उनमें कई जातें जो कांग्रेस के साथ ही आज वो कांग्रेस के साथ नहीं है। धीरे धीरे अब आप देख रहे हैं कि हमारे किसानों का स्ट्राइक इतना बड़ा हुआ, किसानों का वो 3 जो कानून बनाए तो वापस लेना पड़ा, वो इसलिए वापस लेना पड़ा कि बीजेपी वालों को मालूम हो गया कि आइंदा दिनों जो है किसान हमें वोट नहीं देगा। आज भी यही हालत है कि किसान जो है कांग्रेस को वोट देगा, बीजेपी को नहीं देगा। इसी तरह जो है धीरे 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 इंशाल्लाह आइंदा दिनों लोग जो है कांग्रेस की तारीफ में काम करेंगे, वो इसलिए काम करेंगे कि बीजेपी में जितना बड़ा करप्शन का भूत सवार है उनके ऊपर, जहाँ कहीं भी देखो लूट मार हो रही है, सिर्फ हिंदू के नाम पर जो लूट रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं, बेच रहे हैं, एयरपोर्ट भेज दिया, रेलवे लाइन भेज दी, क्या क्या नहीं वो सब कुछ भेजने के लिए लोगों को मालूम हो चुका है कि बीजेपी सिर्फ अपने मकसद में जो है हुकूमत में आई है और लोगों का पैसा लूट रही है, लोगों को मालूम पड़ा है और लोग धीरे धीरे समझ कर जो है कांग्रेस के बीच आने लगे। नहीं, बसवराज बोम्मई साहब ने जो हमदर्दी की बात मुसलमानों के साथ की है ये सिर्फ आप कांग्रेस से जुड़े हैं, जब तक आप जुड़े हैं कांग्रेस का भला होगा, नहीं तो नैया डूबेगी, इस पर आप क्या भी नहीं होते? सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, बहुत से दूसरे के बड़े बड़े जात के लोग हैं, आज वो लोग भी सोच रहे हैं कि कांग्रेस का साथ है। कांग्रेस का साथ इसलिए देना चाह रहे हैं कि कभी भी जो है 70 साल की हुकूमत में कांग्रेस ने ऐसे वैसे काम नहीं किए जिससे देश का नुकसान हो, मगर इन लोगों की क़यादत में देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, कांग्रेस की क़यादत में ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। इसीलिए गए धीरे धीरे लोग अपना दिमाग
दूसरे लोग जो है अपना दिमाग तब्दील कर सके कांग्रेस के साथ में काम करने की कोशिश में है तो इंशाल्लाह कांग्रेस, मगर अगर सोचेंगे, अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कर्नाटक के कह रहे हैं तो हमें क्या आपसे मिला, क्या तवक्कुल कर सकते हैं बीजेपी के लोग। लोग अपने अपने MLAs, अपने क्या कहते हैं वर्कर्स का कार्यकर्ता सब कहते हैं कि मुसलमान के नाम से तुम्हारे को नफरत है तो हम तुम्हारे साथ आने से क्या फ़ायदा हो सकता, एक पैसे का भी फायदा नहीं हो सकता और तुम फायदा कर भी नहीं सकते। वो इसलिए कि मुसलमानों को 1% भी अगर काम करने का अगर तुमने रुख अपना थोड़ा भी बदला तो तुम्हारी कुर्सी हिल जाएगी, चीफ मिनिस्टर साहब की कुर्सी हिल जाएगी। वो इसलिए कि MLAs और उनके वर्कर्स उनको मुसलमानों के बारे में बात करने के लिए नहीं छोड़े। कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों में सीनियर लीडर को इन्हें एक अपना लीडर करके, एक बड़ा लीडर करके क्यों नहीं माना जाता? मानते थे, मैं जैसा कि कह रहा हूँ, अपने विकार के साथ साथ जब की पार्टी में, अब मैं कांग्रेस में हूँ, मेरी इज्जत कांग्रेस पार्टी में रहने की वजह है, अगर मैं कांग्रेस में नहीं हूँ तो मेरा क्या विकार होगा। इसी तरीके से जो सीनियर लीडर हजरात हैं उनके ऊपर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, मगर वो खुद लोग एहसास कर रहे हैं कि अपनी गलतियाँ क्या हो गई और गलतियाँ होने की वजह हमारे ऊपर ये क्या हो रहा है। वाइंदा कुछ कहते भी इत्तेहाद हो सकता है मुस्लिम लीडरशिप, वो शायद हो सकता है, आप इसके रास्ते कहते पहल करती, अब नहीं हो सकता हो जब तक के इन इलेक्शनों का अनाउंस नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर आप क्या कह रहे हैं, मैं ओपन कहता हूँ ना, गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात, एक ऐसे लीडर सारी जिंदगी अपनी सारा खून पसीना पूरा जो है कांग्रेस के साथ उन्होंने सर्व किया, मगर एक छोटी सी गलती की वजह जाए उनको उनके ऊपर नजर रख दी गई। किसकी गलती है ये बोलिए, क्या ये कांग्रेस की गलती है? कांग्रेस के नजरिए में बीजेपी का नजरिया आता है, वही तो है, बात करने के बाद अगर थोड़ी भी कमर पीछे हो गई तो सियासी बातें जो है उलट पुलट हो जाती।